आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रोग्राम जो हर विंडोज यूजर को यूज करना ही चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज की, एक फीचर पैक टूल जो आपके विंडोज यूज करने के एक्सपीरियंस को काफी इंप्रूव कर देगा। इस एक प्रोग्राम में मिलते हैं मोर देन 20 फीचर्स, जैसे शॉर्टकट गाइड, फैंसी जोन्स या माउस विदाउट बॉर्डर्स। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे टॉप 10 फेवरेट फीचर्स को। ये प्रोग्राम आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ही मिल जाएगा, और इन केस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ना मिले तो इसे बाहर से डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं फीचर्स से। तो पहले फीचर का नाम है पावर टॉयज रन। ये फीचर आपने एप्पल के कंप्यूटर्स में देखा होगा। मैक ओएस में ये फीचर इनबिल्ट ही मिलता है स्पॉटलाइट सर्च के नाम से, और पावर टॉयज की मदद से ये फीचर आप विंडोज में भी यूज कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के बाद जब आप कीबोर्ड पे ऑल्ट प्लस स्पेस प्रेस करोगे तो स्क्रीन पे एक सर्च बार आ जाएगा, जिसमें आप फाइल से लेके एप्स कुछ भी सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें आप बेसिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, तो ये एक काफ़ी काम का शॉर्टकट बन जाता है। फिर आता है ऑलवेज ऑन टॉप। इसको यूज़ करके आप किसी भी विंडो को स्क्रीन पे पिन कर सकते हो और वो विंडो हमेशा टॉप पे ही रहता है, और एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा विंडोज भी पिन कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है अवेक, और इसको एक्टिवेट करने के बाद आपका पीसी या लैपटॉप स्लीप पे भी नहीं जाएगा, हमेशा ऑन रहेगा। मतलब गेम्स डाउनलोड पे रख के आप गायब हो सकते हो। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें टाइम लगता हो वो आप बिना पावर सेटिंग्स चेंज किए कर सकते हो और अपने पीसी को आइडल छोड़ सकते हो। और इसमें टाइम सेट करने का भी ऑप्शन है, तो ये फीचर आप कितनी देर तक चालू रखना चाहते हैं वो भी आप सेट कर सकते हो। ये वाला जो फीचर है वो मोस्टली फोटो एडिटर्स और वीडियो एडिटर्स के काम आता है। ये है कलर पिकर, और ये आपकी स्क्रीन पे किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्ट कलर कोड आपको बताएगा, जिसको आप कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे कलर फॉर्मेट्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर है फैंसी जोन्स, और इसको यूज करके आप स्क्रीन को कस्टम जोन्स में डिवाइड कर सकते हो और डिफरेंट विंडोज को जोन्स में प्लेस कर सकते हो। ऐसा सिमिलर फीचर ऑलरेडी विंडोज में देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है और ट्रेडिशनल 16:9 रेशियो वाली स्क्रीन्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन अल्ट्रा वाइड स्क्रीन्स या मल्टी मॉनिटर सेटअप्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। इसको यूज करने के लिए विंडोज को ड्रैग करने के टाइम पे आपको शिफ्ट प्रेस करना है और मल्टीपल जोन सिलेक्ट करने के लिए साथ में कंट्रोल भी दबा देना। अगले फीचर का नाम है पीक, और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग फीचर है। इस शॉर्टकट को यूज़ करके आप किसी भी फाइल को प्रीव्यू कर सकते हो, वो भी इंस्टेंटली। तो इसको यूज़ करके मल्टीपल फाइल्स में गो थ्रू करना हो जाता है काफ़ी आसान। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने पीसी में से कोई फाइल डिलीट कर रहे हो लेकिन वो डिलीट हो नहीं पा रही है क्योंकि वो फाइल बैकग्राउंड में यूज़ हो रही है? फाइल लॉक्समिथ आपको बताता है कि कौन सी फाइल किस प्रोसेस में यूज़ हो रही है, तो आप उस प्रोसेस या ऐप को एंड करके फाइल डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है शॉर्टकट गाइड, और पर्सनली ये वाला मेरा फेवरेट है। विंडोज की को प्रेस एंड होल्ड करके रखने से सारे विंडोज शॉर्टकट स्क्रीन पे आ जाएंगे, और इसमें अच्छी बात यह है कि इसको यूज करते करते सारे विंडोज की के शॉर्टकट आपको याद हो जाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ विंडोज की वाले शॉर्टकट कवर्ड है, तो ऑल्ट टैब कॉपी और पेस्ट जैसे शॉर्टकट्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर है माउस विदाउट बॉर्डर्स। इस फीचर को यूज करके आप एक ही कीबोर्ड और माउस के सेट से चार विंडो डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। सारे विंडोज डिवाइसेस एक ही वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड होने चाहिए। नेक्स्ट फीचर है माउस यूटिलिटीज। तो बेसिकली ये फीचर माउस क्लिक्स बताता है और आपके माउस कर्सर को हाईलाइट करता है, जिससे पता चलता है कि आपका कर्सर कहाँ है। ये मोस्टली काम आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स में या फिर जूम मीटिंग्स में जब आप स्क्रीन शेयर करते हो। विंडोज पावर टॉयज में और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे इमेज रिसाइजर और पावर रीनेम, जो आपको बल्क में फाइल्स रीनेम करने के और इमेजेस को रिसाइज करने के काम आता है। तो बाकी फीचर्स भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।